शासन ने हटाई सहारा की जमीन बेचने पर रोक, निवेशकों में दिखा गुस्सा। सहारा सेवी केस के कारण सहारा इंडिया परिवार अगर अपनी कोई भी संपत्ति को अगर बेचता है तो उसका पैसा सहारा सेवी खाते में जाकर जमा हो जाता है। वहीं सहारा समूह ने आज से कुछ वर्षों पहले हरिद्वार दिल्ली बॉर्डर के नजदीक एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसको पहले सहारा इंडिया रियल एस्टेट द्वारा आधारित किया गया था, जिसके बाद सन 2010 में जब सहारा इंडिया ने अपनी खुद की हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज शुरू की तो ये प्रॉपर्टी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधीन अधिग्रस्त हो गई। हरिद्वार बॉर्डर पर सहारा की ये प्रॉपर्टी पर पिछले काफी लंबे अरसे से प्रॉपर्टी की खरीद एवं बेच पर रोक कायम थी, जिसको अब अचानक प्रशासन ने हटा दिया है। परंतु शासन के इस नतीजे से निवेशक इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि वहीं निवेशकों को ये बात रास नहीं आई। सहारा इंडिया में अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई फंसाकर बैठे सहारा के जमाकर्ताओं ने बताया कि प्रशासन ने एकदम से सहारा की प्रॉपर्टी पर रोक क्यों हटाई, जबकि हरिद्वार के काफी निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया की सहकारिता सोसाइटी में निवेश है, जिसके अधीन ये जमीन आती है। वो इस जमीन को बेचकर निवेशकों को उनका पैसा दिलाने में प्रशासन बिल्कुल भी निवेशकों की मदद करने के लिए राजी नहीं है, परंतु सहारा को बेचने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक सहारा समूह को अपनी कोई भी जमीन गैर तरीके से बेचने पर साफ इनकार किया है। वहीं ये फैसला इसलिए किया था ताकि निवेशकों को उनकी जमा पूंजी संपूर्ण ब्याज के साथ लौटाई जा सके, परंतु आज तक सहारा से भी रिफंड खाते में 25,000 करोड़ से केवल 189 करोड़ तक के भुगतान ही सकी है। वहीं इसी फंड में से करीब 5,000 करोड़ की राशि सहारा के 4 कोऑपरेटिव में फंसे निवेशकों के लिए रखी गई है। वहीं उस मामले में भी करीब 2.5 महीने होने को है, परंतु आज भी सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। सहारा इंडिया की जमीन खरीद एवं बेचने पर रोक क्यों है? हरिद्वार दिल्ली के सटे बहादराबाद में सहारा समूह ने करीब 87 एकड़ भूमि खरीदी थी, जिसमें से करीब 140 बीघा जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसको लेकर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर सतीश त्यागी ने शासन को दवाजा खटखटाया था। वहीं ये मांग की थी कि जमीन पर से रोक हटाई जाए, जिसके बाद अब ये रोक हटाई गई है, परंतु निवेशकों को आज तक प्रशासन झूठी कौड़ी नहीं दिला सका है और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के एक इशारे पर फैसला हो जाता है, जिसके कारण ये साफ जाहिर होता है कि कीमत पैसे की होती है, गरीबों की नहीं। आने वाले लखनऊ लोकसभा चुनावों में क्या करेगा सहारा? परिवार के सहकारिता कंपनियों के माध्यम से निवेशकों ने अपनी सबसे ज्यादा राशि सहारा इंडिया की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा की थी। हालांकि पिछले काफी लंबे दर्जे से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशकों का भुगतान नहीं दे रही है, जिसमें सरकार ने आगे आकर माननीय उच्चतम न्यायालय से 5,000 करोड़ की राशि जारी करने की मांग की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर भी कर दिया है, परंतु 2.5 महीने होने को आया है, ना तो सहकारिता मंत्रालय का कोई अता पता है और ना ही सहकारिता कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब तक देखना है कि निवेशकों को कब तक उनका पैसा वापस मिलेगा, परंतु निवेशकों ने साफ जाहिर कर दिया है कि अगर सहारा का भुगतान नहीं तो मोदी सरकार को मतदान नहीं।